हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा रेड कलर का, आप उसे क्लिक करिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो आइए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज मेरा टॉपिक है फरवरी के इम्पॉर्टेंट डेज को हम किस तरीके से याद रखें, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं। आपका जुलाई में भी एग्ज़ाम है, DSSSB के, LT ग्रेड के, SSC के और बाकी बहुत सारे कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम हैं, और सभी में एक GK से डेज का क्वेश्चन तो आता ही आता है। दो भी आते हैं, तीन भी आते हैं, लेकिन हम उन्हें याद नहीं रख पाते, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन आते हैं तो हमें याद नहीं रहते। तो इसलिए जो है मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लाई हूँ। मैं अपनी पिछली वीडियो जनवरी पे बना चुकी हूँ, आपने अगर उसे नहीं देखी है तो आप सब्सक्राइब करके मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। आज मैं लाई हूँ फरवरी की इम्पॉर्टेंट डेज, तो उसे याद कैसे करेंगे। देखो कैसे याद रखेंगे फरवरी के इम्पॉर्टेंट डेज, ये शॉर्ट ट्रिक है। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से दिन होते हैं। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, 12 फरवरी को मनाया जाता है उत्पादकता दिवस, 21 फरवरी को मनाया जाता है मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 29 फरवरी को मनाया जाता है नशा मुक्ति दिवस। अब इसको याद कैसे करेंगे आइए देखें। मैंने एक तरीका बनाया है, पहले मैं पढ़ लेती हूँ फिर मैं उसको डिस्कस करूंगी। एक कंपनी में 12 काम करने वाले 4 लोगों को कैंसर था, यानी ये कंपनी में 4 लोग थे, काम जो करते थे उन 4 लोगों को कैंसर था। वो अलग अलग 12 तरीके के उत्पादक से नशा करते थे, बट उन्हें 21 मातृभाषा का ज्ञान था। इसी बात से खुश होकर 28 वैज्ञानिकों ने उनका कारण समझा, इलाज किया और अगले दिन यानी कि 29 को उन्हें नशे से मुक्त कर दिया। तो आइए देखो कैसे समझेंगे। हमने डिस्कस किया था कि 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो मैंने कहा था एक कंपनी में काम करने वाले 4 लोगों को कैंसर था, यानी कि 4 फरवरी को क्या हो गया कैंसर दिवस। वैसे आप इसे याद भी रख सकते हैं क्योंकि कैंसर में चीर फाड़ होती है, चीर फाड़ यानी कि 4 फरवरी, चीर 4 फरवरी फाड़। वो अलग अलग 12 तरीके के उत्पादक से नशा करते थे, यानी कि 12 फरवरी को मनाया गया उत्पादकता दिवस, ये उत्पादकता दिवस। आगे उसने कहा है बट उन्हें 21 मातृभाषा का ज्ञान था, 21 मातृभाषा यानी कि 21 फरवरी को मनाया जाया मातृभाषा दिवस। आगे से इसी से खुश होकर 28 वैज्ञानिकों ने यानी कि 28 फरवरी को बनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, उनका कारण समझा और उनका अगले दिन यानी कि 29 फरवरी को क्या हुआ नशा मुक्ति दिवस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, फिर भी एक बार बता देती हूँ। एक कंपनी में 4 लोगों को कैंसर था यानी कि 4 फरवरी को कैंसर दिवस, वो अलग अलग 12 तरीके के उत्पादक से नशा करते थे यानी कि 12 फरवरी को उत्पादकता दिवस, 21 मातृभाषा जानते थे 21 को मातृभाषा दिवस, इसी से खुश होकर 28 वैज्ञानिकों ने उनका कारण समझा यानी कि 28 फरवरी को हमारा हो गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 29 को उन्हें नशे से मुक्त कर दिया यानी कि 29 तारीख को हो गया नशा मुक्ति केंद्र। अगर आपने देखी कितने आसान तरीके से याद हो गई। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा उसे दबाइए, सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे वीडियो को। लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके मिलेंगे कल, यानी कि 14 डेट है, तो मैं आपको आपके करंट अफेयर्स के यानी कि 1 वीक के करंट अफेयर के साथ मिलूंगी। थैंक यू सो मच।